गाइस, वेलकम टू लिटिल चॉइस ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज है ट्यूसडे और हमने किचन 90% लगा दिया है। हमारा फैमिली रूम लग गया है, मेरा अनुज का ऑफिस सेट हो गया है और अभी हम गद्दे पे सो रहे हैं, मैट्रेस पे। सो अभी मैं सबसे पहले कैबी का बेड असेंबल कर रही हूँ, फिर उसके बाद अपना बेड असेंबल करेंगे। तो या लेट्स डू इट। गुदी में आ जाओ मेरे, आपको प्रेम में बैठा देंगे। 5 मिनट्स एंड आई विल बी रेडी। छोटा बना हुआ जो कि हमारा कैसे किन से अटैच हो गया। नो नो नो, इतने 10 दिन से पहने हुआ है ना। मैंने 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 एक महीने से पहने हुआ है, मैंने धो के दोबारा पहने हुए। और आज पहली बार हम वॉक पे जा रहे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। जब से हम यहाँ आए हैं ना, तब से बहुत क्लाउडी सा था, बहुत ग्लूमी सा था, तो हम बाहर नहीं निकले। एक दिन निकले भी थे पर, और फिर यहाँ तक पहुँचे और बादल आ गए, तो फिर हम फिर से अंदर आ गए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का नेबरहुड कैसा है और यहाँ की सराउंडिंग्स कैसी हैं अभी। हाँ बेटा, और क्या भी खा रही है? पॉपसिकल। ये ना असली वाटरमेलन का है, बना हुआ है, मतलब असली फ्रूट से बना हुआ है, ऐसे खाली बर्फ नहीं है। और अनुज कल लाए थे बहुत सारा सामान, तो मैंने अनुज को बोला था सिर्फ एक दो चीजें ही लाइएगा क्योंकि अभी घर सेट नहीं है, तो मैं और नहीं चाहती कि मुझे सामान मिल जाए सेट करने के लिए। तो पति तो हमेशा ऑपोजिट ही करते हैं जो हम कहते हैं ना। अगर मैं कहती बहुत सारा सामान तो फिर अनुज दो ही चीजें लाते, पर अगर मैंने दो चीजें कही थी तो अनुज को कम से कम 20 तो लानी थी। तो ये कितना ज़रूरी था ना पॉपसिकल लाना आजकल। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ ना बे लीफ का पेड़ है, करी वो तेज पत्ता होता है ना जो हम सब्जियों में डालते हैं। तो अब मेरे पास फ्रेश तेज पत्ता है, अब आपको मैं फ्रेश तेज पत्ते की सब्जी खिलाऊंगी। खुशबू अच्छी आ रही है, मुझे तो आई दीदी। दिखाओ दिखाओ, हाँ अच्छी स्मेल है इसकी। सो प्रॉब्ली हम फ्रेश फ्रेश डालेंगे। सो यहाँ पर ये पार्क आपको याद है? ये पार्क है यहाँ पर जो घर के बिल्कुल नेक्स्ट है, और हम आया करते थे तब हम दूर से आते थे, पहले वाले घर से आते थे। ये इस एरिया का सबसे बड़ा पार्क है और विच इज लाइक राइट नेक्स्ट टू आर हाउस। अगर आपको याद होगा तो इस पार्क में ये सर्विस स्टेशन है और वो ड्रेसर का है, ये फायर इंजन है। और अनमिति बहुत छोटी थी, यहाँ पे अनुज के साथ है उनका वीडियो, अनुज के साथ है उसका वीडियो, यहाँ खेल रही है वो। सो अगर आपको याद होगा ये लेक है यहाँ पर। सो ये इस पार्क में इलेक्ट्रिक बारबेक्यू है, जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ आके पार्टी कर सकते हैं। लेकिन पार्टी करने के लिए हम घर के बगल में ही क्यों आएंगे हैं? दूर नहीं जाएंगे। आओ चलो वहाँ पे चलो क्या लेक के पास। कबूतर जा जा, रन थ्रू देम, रन कुछ नहीं उड़ जाएंगे, जा 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 उड़ जाएंगे, रन करो, डराना नहीं है। सो ये यहाँ का लेक। ये अनमिति का ना फेवरेट प्लेग्राउंड था और अभी बेचारी किसी पे भी नहीं बैठ पा रही है क्योंकि ये भी बंद है, वो आपको नोटिस बोर्ड यहाँ पे भी अलाउड नहीं है और सेफ भी नहीं है। अगर अलाउड होता भी तो भी मैं कैबी को बैठने नहीं देती, बट उसका मन बहुत कर रहा है देख देख कर।
डोंट टच एनीथिंग ओके ये यहाँ का पूरा ट्रेल है वॉक के लिए जैसे हमारे घर में था ना तो यहाँ का वॉक भी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर ट्रेल है ये भी सब प्यारा सा है ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है कितने सारे सनफ्लावर है यहाँ पे आप लोगों को ना एक बहुत बढ़िया चीज दिखाती हूँ हाँ बहुत बढ़िया लगता है अभी हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते करते अभी हमें एक घर में ना ग्रास के स्ट्रक्चर्स बने दिखे ग्रास का आईफिल टावर ग्रास का रेनडियर वगैरह बना हुआ है हाउ क्यूट इज दिस ठीक है गाइस अभी शाम का 6:30 बज रहा है एंड काम हमारा ख़त्म हो चुका है आज से एक्सरसाइज हम रिज्यूम करेंगे एक्सरसाइज बिल्कुल हमने ठप कर दी थी एंड कैपी सो रही है और मैं ना अपने वो वाले मोड में वो भवन वाले मोड में क्या होता है मेरे साथ ना दिक्कत है मैं जब भी जगह चेंज करती हूँ ना तो मैं अपने को भवन में पहुँच जाती हूँ दिमाग के अंदर मुझे ना बड़ा वो होता है कि ये चीज़ यहाँ रखी रहती थी अरे यार यहाँ तो अब ये शेल्फ है नहीं अब वो वहाँ पे है तो हमेशा मेरे साथ होता है कुछ मतलब मुझे खुद को नहीं पता लेकिन मैं अंदर से ना बड़ी दुखी सी हो जाती हूँ और बहुत इरिटेट खुद भी होती हूँ और साथ वालों को भी करती हूँ सो ये इंसान मुझे बहुत झेल रहे हैं 3-4 दिनों से मुझे नहीं पता कब बॉम्ब फटने वाला है ऐसी ना जब हम पुणे में थे नहीं जब हम गुड़गांव में थे गुड़गांव से जब हम पुणे शिफ्ट हुए ना तो गणपति का वो था गणपति जी आने वाले थे ये गणेश चतुर्थी आने वाली थी तो वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते थे और वहाँ पे ढोल बजते थे तो अनुज को वो ढोल बड़े अच्छे लगते थे और आप सोच सकते हो मेरा क्या कहना होगा मैं कहती थी कि यार यार ये ढोल से ना मुझे घबराहट होती है मुझे अजीब सा लगता है ये 1 महीने तक मेरा ड्रामा चला था फिर उसके बाद जब मैं पुणे से ऑस्ट्रेलिया आई तो मेरे 6 महीने तो मेरा रोना गाना चला था और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया फिर इसके बाद अब हमने ये घर शिफ्ट किया ना अब फिर सारी जगह हर चीज़ की चेंज हो गई और मेरा वो मैं इरिटेट हो रही हूँ और मैं अनुज को भी कर रही हूँ और अनुज और क्या भी मुझे मतलब कोशिश कर रहे हैं बेचारे मेरे साथ कोप अप करने की अनुज आजकल डॉन लगने लग गए हैं बाल तो हैं नहीं और शेव ये बना नहीं रहे हैं बोलते हैं कि अगर मैंने शेव बना लिया ना तो फिर मुंह पे कुछ बाल दिखेंगे ही नहीं तो अनुज बिल्कुल डॉन जैसे लगने लगे हैं मतलब फोटोज़ भी मुझे पोस्ट करनी होती ना तो मैं देख देख कर करती हूँ कि ये ठीक लग रहा हूँ भले ही मैं कैसी भी लग रही हूँ पापा चीटिंग कर रहे हैं और आपने करने भी दी कबू ऐसे ही आई वॉन इतने तो मेरे फ्रॉक्स के मुंह में फंस गई है देखो है राम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मुंह देख रही है गेट सेट गो नहीं ठीक है आप लेट हैं सो कैबी के हैं 13 और पापा के हैं कितने अरे ये जो रही आपकी साइड में और पापा ने धीरे धीरे एक एक बॉल्स कैबी की तरफ कर दिए कैबी वन ये कैबी गुड जॉब ये दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी ये सो मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ ना कि मेरा बिल्कुल अभी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है और कैबी जीती है ना इस खुशी में हम पार्टी कर रहे हैं मैंने अभी आज थर्सडे है तो चिकन नहीं मंगा सकते हैं तो अनुज दाल मखनी और पनीर कुलचा खा रहे हैं हम खा रहे हैं नूडल्स और वेज मंचूरियन और वो कैबी की न्यू डॉल है कल आई है पापा लेकर आए हैं मैंने आपको बोला था ना जब मैं अनुज को 2 चीज़ें बोलती हूँ तो अनुज 20 चीज़ें ज़रूर लाते हैं तो उसकी भी बहुत ज़रूरत थी इस घर में एक शेफ़ बारबी की तो वो कैबी कर क्या रही है देखो
आजकल ना हम लोग नेटफ्लिक्स पे कराटे किड का सीक्वल है कोबरा काई, तो उसमें जो दूसरा बंदा होता है ना, क्या नाम, तो जो कराटे किड वन में जो बंदा हारता है ना जॉनी, तो एक्चुअली उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया है पूरा का पूरा ये जो पूरी सीरीज है कोबरा काय की, वो हारा उसके बाद उसकी लाइफ कैसे हुई, और हम लोग को ऐसा लगा उस मूवी में कि वो बुरा बंदा है, तो बट ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को कभी जज नहीं करना चाहिए, तो उस पर वही चीज़ दिखाई हुई है और बहुत ही बढ़िया सीरीज है। अगर आप लोग कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं तो डू वॉच कोबरा काय। आजकल हम भी वही वी आर हुक्ड अप और हम बिंज वॉच कर रहे हैं जब भी, व्हेनेवर वी गेट टाइम। तो ये है अभी घर का करंट स्टेटस, अभी इतना सब सामान लगे और ये बाहर है जो कि बहुत आईसोर है मेरे लिए। डाइनिंग टेबल काम चलाओ सेट हो गई है, ये यहाँ पे सेट हो गया है, यहाँ पर इसका शीशा लगाना है, सो टीवी सेट हो गया है, बॉक्सेस बॉक्सेस बॉक्सेस। हाँ, हमारा डिनर मंचूरियन नूडल्स दाल मखनी पनीर कुलचा। मुझे पता है ये सब देख कर ना, नूडल्स, मुझे पता है ये सब देख के ना मुंह में पानी आ गया होगा। तो अभी से या तो बाहर से मंगाइए या फिर जल्दी से फटाफट बनाकर खाइए हमारी तरफ से। सो ये जो कपड़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा कपड़ों का स्टार्ट किया है, सो इनको फोल्ड करके लगाऊंगी वार्डरोब्स में। सो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी 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 सेट हो गई हैं, कपड़े नहीं हुए हैं, सो आज से कपड़ों का स्टार्ट करती हूँ। अगले कौन सा गाना गाते हो? तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पावीन। देखा, पापा नहीं बोली है, मुझे भी बोली है, मुझे भी बोला है उसने। वैसे ना जनरली हमेशा पापा पापा बोलती है, पर जब पापा से गुस्सा आती है तो मम्मा बोलती है। सबसे प्यारा कौन है? मम्मा, मेरी मम्मा। जब गुस्सा आती है जैसे घूर के और दूसरा प्यारा हो जाता है ना, मम्मा प्यारी है ना, मम्मा मम्मा प्यारी है, मम्मा प्यारी है। कौन लेके आया था आपके? मम्मा लेके आई थी, पापा लेके आया था आपके आइसक्रीम? कौन लेके आया था, मम्मा या पापा? मम्मा। देखा, मम्मा लेके आई थी फ्रिज से, तो मम्मा ही लेके आई थी ना। देखो मैं आपके साथ मूवी देखती हूँ। इसको इसको फोन देख रहा है इसलिए मम्मा प्यारी है। बार्बी, where my shoes? I need to walk on my head. Even on the road, I think I'm walking on the in the air. With, I mean, something backwards. How will I find my shoes? खालीपन की ना हद होती है, देखिए अनु जैसे मैं कर क्या रहे हैं। ये कोई अफ्रीकन बंदा है, गाना गा रहा है, अच्छा गाना गा। गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11:50 बज रहे हैं अभी। कैबी सो चुकी है, अनुज सो चुके हैं, एंड आई एम जस्ट एडिटिंग द वीडियो एंड होपफुली द वीडियो विल बी अप इन लाइक हाफ एन आवर। सो हमारा जो आजकल रूटीन है वो बहुत ही वियर्ड चल रहा है, और जो लाइफ है वो थोड़ी सी मेस्ड अप है, क्योंकि घर मेस्ड अप है, इसलिए कुछ भी चीज़ें लेकिन ऑन स्केड्यूल नहीं हो पा रही है। जो जिस चीज़ का जगह मिलती है, जो जिस चीज़ के लिए टाइम मिलता है, वो हो जाता है। तो प्लीज़ बेयर विद अस एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इफ उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है नए व्लॉग्स बनाने का। एंड थैंक यू फॉर शावरिंग योर लव ऑन आवर व्लॉग्स। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।